हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू श्वेताज किचन। आज मैं लेकर आई हूँ एक स्वीट डिश की रेसिपी। आज मैं बनाने जा रही हूँ काला जामुन। इसे काला जाम भी कहा जाता है। इसे बनाया गुलाब जामुन की तरह ही होता है, बस इसे थोड़ा सा ज़्यादा फ्राई किया जाता है जिससे इसका कलर जो है काला हो जाता है। इसे काला जामुन कहते हैं। तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरे न्यू रेसिपीज वीडियो आप तक मिलते रहें। तो चलिए अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो काला जामुन बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 300 ग्राम फ्रेश मावा लिया है, जिसे खोआ भी कहा जाता है। ये मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाता है। और यहाँ पे मैंने मैदा ले लिया है एक कटोरी में। अब हम यहाँ पे मावा को अच्छे से मैश कर लेते हैं। हमें इसे चिकना करना है, तो इसे हमें अच्छे से स्मूथ और बढ़िया सा इसको हथेली की हेल्प से मैश करते हुए ही बनाना है। ये मावा जो है हमने यहाँ फ्रेश मावा लिया है, ये आपको किसी भी डेयरी में इजीली अवेलेबल हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे जो है हमने मावा को अच्छी तरह से मैश कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे मैदा। तो यहाँ मैं 4 टीस्पून मैदा यूज़ कर रही हूँ। तो इसमें हम इसको डाल दिख करके अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसे हमें अच्छा सा स्मूथ सा चिकना बनाना है। हमें यहाँ पे मैदे को मावा में मिक्स करने के बाद हथेली की हेल्प से अच्छी तरह से दबा करके इसे चिकना बनाना है, ताकि जो गुलाब जामुन है वो हमारी बिल्कुल परफेक्ट बने। तो देखिए यहाँ पे जो है आप इसको थोड़ा थोड़ा पार्ट करके भी इजीली हथेली की हेल्प से अच्छे से मिक्स कर सकते हैं, स्मूथ कर सकते हैं। इसे जो है थोड़ा सा इजी हो जाता है और फटाफट भी हो जाता है। बहुत ही आसान है ये बनाना, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। बस इसमें दो ही ट्रिक काम करती है। एक तो आपका जो मावा है वो अच्छी तरह से गुथा हुआ होना चाहिए, और दूसरा जो हम फ्राई करते हैं गुलाब जामुन को, वो बहुत ही अच्छे से फ्राई होनी चाहिए। तभी जो गुलाब जामुन है वो बिल्कुल परफेक्ट बनती है। तो देखिए यहाँ पर जो है हमने एक पार्ट को अच्छी तरह से मैश कर लिया है और ये कितना बढ़िया सा सॉफ्ट हो गया है। अब हम इसी तरह से जो बचा हुआ है दूसरा, उसको भी इसी तरह से अच्छे से मैश करते हुए हथेली की हेल्प से इसको भी चिकना कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो है हमारा गुलाब जामुन का डो अब रेडी है। हमने इसे स्मूथ और चिकना कर लिया है। अब हम थोड़ा सा डो हाथ में ले करके हथेली की हेल्प से चिकना करते हुए इसे गोल शेप दे देते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो है हमारी एक गुलाब जामुन अब बन करके रेडी है, बिल्कुल बढ़िया सी बनी है। बस इसी तरह से हमें जो है सारी गुलाब जामुन बना लेना है। अब हम दूसरी भी इसी तरह से बना लेते हैं। थोड़ा सा डो हाथ में लेकर के इसे वापस चिकना कर लेते हैं हथेली की हेल्प से और गोल शेप दे देते हैं। आप यहाँ पे जो शेप है वो आपके अकॉर्डिंग छोटा या बड़ा रख सकते हैं, या फिर आप इसको जो है सिलेंड्रिकल शेप भी दे सकते हैं। तो यहाँ हमारी दूसरी गुलाब जामुन भी अब रेडी है। तो देखिए कितने बढ़िया सी फटाफट सी बन जा रही है, और ये सबसे आसान तरीका है। हमने इसमें और कुछ एक्स्ट्रा ऐड नहीं किया है। हमने यहाँ पे फ्रेश मावा लिया है और हमने इसमें जो है 4 टीस्पून मैदा मिलाया है 300 ग्राम मावे में। जी यहाँ पर जो है हमने कुछ गुलाब जामुन रेडी करके रखी है। अब हम इसे जो है फ्राई कर लेते हैं। हमें इसे डीप फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पर जो है मैंने पैन में ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया था। अब हम जो है इसे फ्राई करना स्टार्ट करते हैं, और गैस की फ्लेम बिल्कुल लो पे ही रखें, क्योंकि एक गुलाब जामुन को फ्राई करने के लिए हमें 5 से 6 मिनट का टाइम लग जाता है। गुलाब जामुन को जो है बिल्कुल लो फ्लेम पर ही फ्राई करना है, ताकि वो अंदर से भी अच्छी तरह से फ्राई हो जाए, कच्ची ना रहे। अब हम इसे अच्छी तरह से गोल्डन फ्राई होने देते हैं, उसके बाद हम इसे टर्न कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर जो है हमने गुलाब जामुन को टर्न कर दिया है, और इसे हम थोड़ा सा और फ्राई होने देते हैं, क्योंकि हम जो है काला जामुन बनाने जा रहे हैं। तो इसे जो है हमें बिल्कुल लो फ्लेम पर ही थोड़ा सा और फ्राई करना है, काला होने देना है इसे। तो देखिए हमने यहाँ पे जो गुलाब जामुन को थोड़ा और फ्राई होने दिया है, थोड़ा और काला होने दिया है, और इसका कलर भी बढ़िया सा आ गया है। हमने यहाँ से 5 से 6 मिनट तक इसे फ्राई किया है। अब हम जो है इसे निकाल लेंगे एक प्लेट में। अब बाकी की गुलाब जामुन को भी हम इसी तरह से फ्राई करेंगे लो फ्लेम पे 5 से 6 मिनट तक, ताकि वो अच्छी तरह से अंदर से भी फ्राई हो जाए, कच्ची ना रहे। नहीं तो वो अंदर से कच्ची रह सकती है और इसका जो ऊपर का कवर है वो भी निकल जाएगा, जिससे जो गुलाब जामुन है वो हमारी ख़राब हो जाएगी। अब इसे भी हमें जो है काला होने तक अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। तो लीजिए यहाँ पर जो है हमारा काला जाम बन करके बिल्कुल रेडी है। अब हम इसे भी जो है प्लेट में निकाल लेते हैं। तो देखिए है ना, बहुत ही सिंपल सी और इजी सी काला जाम बनाने की रेसिपी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस पे। तो यहाँ पे हम चाशनी बना लेते हैं। तो यहाँ मैंने एक बड़े कप से चीनी ले ली है, करीब ये मेरी 200 ग्राम चीनी है। अब हम जितनी चीनी लिए हैं उतना ही हम इसमें जो है पानी डालेंगे, और इसको जो है अच्छी तरह से बॉयल होने देंगे जब तक कि जो चीनी है डिज़ोल्व ना हो जाए। हमें जो है इसमें एक तार की चाशनी बिल्कुल भी नहीं बनानी है। अब हम जो है इसे चला लेते हैं।
और इसे डिज़ोल्व होने तक बॉयल कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो चीनी है अब वो मेल्ट हो गई है, इसमें हम डाल देंगे इलायची अच्छे से फ्लेवर के लिए, एक बढ़िया से टेस्ट के लिए। आप चाहे तो यहाँ पे इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं या फिर आप डायरेक्ट इलायची भी डाल सकते हैं, क्योंकि हमें एक अच्छे से फ्लेवर के लिए चाहिए होती है। तो देखिए यहाँ पे जो है हमारी चाशनी अब बिल्कुल बन करके रेडी है। ये थोड़ी चिपचिपी हो गई है, इसका मतलब है कि हमारी चाशनी अब रेडी है। अब इस चाशनी में जो हमने गुलाब जामुन बना करके रेडी करी थी इसमें हम अब डाल देंगे और इसे जो है हम 2 से 3 घंटे के लिए छोड़ देंगे, ताकि जो है गुलाब जामुन के अंदर अच्छी तरह से जो चाशनी है वो अंदर तक चली जाए। तो देखिए कितना बढ़िया सी दिख रही है हमारी काली गुलाब जामुन, और खाने में तो बहुत ही टेस्टी होती है, और गुलाब जामुन तो सभी को बहुत पसंद ही होती है। अब हम इसे 2 से 3 घंटे के लिए इसी तरह से इसको रख देते हैं। बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल तरीका है जो मैंने आपको बताया है इसे बनाना, और ये बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती इसे बनाने में, फटाफट बन जाती है। आप इसे ओकेशनली भी प्रिपेयर कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे 2 से 3 घंटे हो गए हैं, अब जो है इसके अंदर चाशनी अच्छी तरह से चली गई है। मैं आपको जो है एक कट करके भी दिखाती हूँ कि इसमें चाशनी गई है कि नहीं, और कितनी सॉफ्ट और बहुत ही अच्छी सी बनी है, देखिए आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये थी मेरी काला गुलाब जामुन बनाने की सिंपल सी रेसिपी। अगर आपको मेरी रेसिपी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।